इस वैरायटी से पूरी तरह संतुष्ट है? पिछले साल से पूरे संतुष्ट है, रिकॉर्ड तोड़ वैरायटी है ये। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है, बहुत संतुष्ट अच्छा, है पूरी तरह पूरी आप? तरह संतुष्ट है जी, और अधिकतम हमारे किसान साथी ने बताया 9 क्विंटल तक 1 बीघे से निकाल लेते हैं एक सोलह तोड़ में। सत्रह कट्टे बीजे की मिर्च टूटती है, 50 किलो का लगाओ, 60 किलो कट्टा टूटता, जी 50 किलो से भी 8-9 क्विंटल हो गई। जी और रेट के विषय में हमारे अंकल जी ने बताया। वो तो मार्केट है, कहाँ से जी कहाँ पहुंच जाए, कहाँ से कहाँ गिरते हैं, किसी हाँ, के तो कोई वो किसी के नहीं है। वो हमारी नहीं तुम्हारी, रेट तो ऊपर नीचे होता अब रहता है। कल परसों 55 बीघा रहा, उससे पहले 60 बीघा, 70 आ गया। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज हम मिर्च के एक विषय में वीडियो बनाने जा रहे हैं, और हमसे जो जुड़े हुए किसान साथी हैं वो पिछले 20 से 25 वर्षों का अनुभव रखते हैं मिर्च का। और आइए अब हम मिलेंगे किसान साथी से, जानेंगे उनका नाम और पता। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? वीरेश कुमार त्यागी, क्या नाम? वीरेश, वीरेश कुमार त्यागी आपका नाम है, ग्राम बरखंडा, ग्राम बरखंडा, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के रहने वाले हैं। तो कितने वर्षों से? 25 से 30 वर्ष का अनुभव। 25 से 30 वर्ष का मिर्च का अनुभव। मिर्च का अनुभव जी जी और मैं अंकल जी ये और जानना चाहूंगा, आप मिर्च जब बोते हैं तो किस मंथ में पहले तो मिर्च बोते हैं ये बताइए हमारे किसान हम साथी? मार्च 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 के लास्ट, मार्च के लास्ट सप्ताह में, मिर्च अप्रैल के बोते हैं। फर्स्ट वीक में, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मतलब ट्रांसप्लांटिंग या पौधे खेत में लगा देते हैं। लगा देते हैं। तो मैं ये और जानना चाहूंगा कि मिर्च जब आप पौधा तैयार करते हैं तो कितने समय का पौधा जो है खेत में लगा देते हैं? 1.5 महीने का, 1.5 महीने का पौधा खेत में लगा दिन देते का। हैं। जी, और पौधा जब आप लगाते हैं अंकल जी, तो उससे पहले खेत की तैयारी हमारे किसान साथियों को कैसी करनी चाहिए, कितनी जुताइयां करानी चाहिए? जितनी भी जुताई कर लोगे उतना ही फायदा। अच्छा, जितनी जुताइयां हो जाएंगी उतना ही फायदा है या उतनी ही अच्छी है? अच्छी होगी जी। और लगभग फिर भी 3 से 4 जुताइयां करानी चाहिए? ज्यादा है, ज्यादा करा ज्यादा सकते हैं आप। जितना अच्छा हमारा खेत तैयार हो जाएगा उतना अच्छा अच्छी। ही होता है। हाँ। और ये मैं और जानना चाहूंगा अंकल जी कि आपने इसको बेड या पैड किस विधि से बोया है? इसे 48 इंच की दूरी पे है। अच्छा, 48 इंच से पैड की दूरी 48 इंच। जी, पौधे से पूरी दूरी 24 इंच, पौधे से पौधे की दूरी 24 इंच रही है। और लगभग मैं ये भी जानना चाहूंगा कि लगभग कितने पौधे लग जाते हैं 1 बीघा में? अगर देखो अगर तुम 1.5 फुट में पौधा लगाओगे जी तो 1100 पौधे लगेंगे 1 बीघे में। 1 बीघे में 1100 पौधे लगेंगे लगभग, 1.5 फुट की? 1.5 फुट जी, 18 इंच पे, 18 इंच, 24 इंच पर 800-850 पौधे आ जाएंगे, 800-850 पौधे आ जाते हैं। तो ये एक पौधे के विषय में जानकारी रही। खेत की तैयारी बेसल डोज में क्या देते हैं? कुछ नहीं, बस बेसल डोज में कुछ कुछ भी नहीं नहीं देते, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई भी एक केवल रेंट रेंट बखेरते हैं आधा लीटर का। अच्छा, रीजेंट देते हैं जो हमारे जमीनी कीड़े होते हैं उनके लिए? उनके लिए बस, जी। और कोई डोज नहीं है इसके लिए, कोई फर्टिलाइजर नहीं है जी। बाकी ठंड, ज्यादा ठंड पड़ेगी। अच्छा, जब फर्टिलाइजर देना पड़ेगा जब ठंड हो जाती है। हाँ, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में? अक्टूबर में, नवंबर तक तो चलेंगे ही नहीं जी, अक्टूबर में जाके अक्टूबर अब चालू हो जाएगा जी। उस समय आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, बस उससे उससे पहले पहले कोई नहीं, कोई फर्टिलाइजर मैनेजमेंट नहीं करते, नहीं। सादा सिंपल यूं ही खेत खड़ा रहता है बस। या हमारे पौधे रहते हैं। हाँ। उसमें जो बीमारियां आती हैं, बीमारियों के विषय में और कौन कौन सी दवाइयां मतलब रोग? बीमारी की जो इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है वो है सूखड़ा। अच्छा, सबसे बड़ी जो जड़ इसको बताते हैं वो है इसमें सूखड़ा का रोग? सूखड़े का जी, सूखड़ा है जी, और इसके लिए कुछ नहीं है। अच्छा, एक आता है वायरस, वायरस का कोई इलाज इसका नहीं है। अच्छा, दो एक आता है इसमें वायरस बताते हैं, वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई पेटेंट इलाज नहीं है, कोई ना कोई बना। अच्छा, अभी तक कोई बना नहीं है, नहीं ना बना, ही कोई पेटेंट इलाज है, नहीं है लोगों का बस मत है, मत है। उसे कोई भकाने वाली चीज है, कोई भका दिया जैसे डाल लो। हाँ, कोई मत नहीं। अच्छा, बहकाने वाली एक चीज हम मानेंगे कि ये बहका देते वो हैं दुकानदार किसान, या उनका धंधा है, कैसे जी जी बेचना सवाल अपना, हाँ, अपना उनको बेचना है, यानी इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई अभी कोई इलाज नहीं है, नहीं है। तो किसान साथियों, अब हम अंकल जी से जो है जानने या जानकारी लेने वाले हैं उकता रोग के विषय में, इसके कैसे लक्षण होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो अंकल जी,
किस तरह पौधा हो जाता है पहले ये बताइए। पौधा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसकी जड़ों का मिट्टी से जड़ों का संबंध खत्म हो जाता है, उसे खुराक मिलनी बंद हो जाती है जी, उसका संबंध कट जाता है जमीन से, जमीन से उसकी जड़ों में गलन पैदा हो जाती है। अच्छा, वो मतलब खुराक नहीं ले पाता, खुराक नहीं ले पाता, उसकी पत्ती वो वही बस टुकड़ा खा जाती है, उखड़ा हो जाता है, पौधा ही उखड़ जाता है। जो देखते हैं तो आप बता रहे थे किस तरह के लक्षण होते हैं, और दिखाएंगे भी हमारे अंकल जी आपको वीडियो में, आप बने रहे। कौन सा पौधा ऐसा? देखो ये पौधा है जी, गिरा, ये पौधा उगते रोग में आ गया। अच्छा, इस पौधे को जकड़ लिया है रोग ने? हाँ, जकड़ को उगता, जमीन तो उगट गई जी, पानी से जड़ गल गई इसकी जी जी जी, ज्यादा बारिश के पानी से जड़ गल जाती है। अच्छा, अगर बरसात ज्यादा हो जाती है, एक गलन तो आती है पत्ती पे जी, एक आती है जड़ में, जड़ में फफूंदी नाशक जड़ में आती है, एक फफूंदी ऊपर की गलन खत्म हो जाती है जी जी, जी। दवाई के जरिए, दवाई के द्वारा, लेकिन जड़ों की नहीं हो पाती जी, दवाइयों जड़ के द्वारा जो होती है वो नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती जी। और ये रहा एक पौधा जी, एक खूब व्यस्त पौधा था देखो किसान साथियों, और ये उठे के आ गया अभी, इसका फल भी हमारे अंकल जी तोड़ के दिखाएंगे किस तरह का हो गया, कितना है, बहुत छोटा फल हो गया ये, ना फल बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा, और भी दो तीन यहाँ फल लगे हुए हैं, तोड़ के हमारे किसान साथी को दिखाइए किस तरह के इसके फल हो जाते हैं। ये पीला पड़ जाता है फल खाते ही, ये रहा इस तरह के इसके फल हो जाते हैं बिल्कुल पीला, और पत्ता और पौधा भी पीला, पत्ता भी पीला, पौधा पत्ता पत्ता पीला, टुकड़ गया, ये रहा फल पत्ते पे है, खाते देखिए देख सकते हैं वीडियो में, ये इसके लक्षण है इस रोग की वजह से, ये पूरी तरह मतलब एक क्षतिग्रस्त है, खत्म हो गया है, खत्म की कगार। जो पौधा स्वस्थ है जी, देखो ये पौधा स्वस्थ है, पूरा चल रहा है, हाँ पौधे स्वस्थ है, इसका कलर भी है, सब चीज दिखाई दे रही है, स्वस्थ ही हो बिल्कुल, इसमें फूल भी खूब आ रहा, फल भी बन रहा है इस पे जी। ये रहा देखो, ये दो नीचे कितना फूल है, कितना फूल और कितना अच्छा आया हुआ है देखो, इस पे सब फल बनेगा, इस पे जो भी ये फल फूल दिख रहा है आपको, जितना फल जितना फूल ड्रॉप हो रहा नीचे जी, उतना ही फल बन रहा है, जितना हमारा फूल ड्रॉपिंग हो रही है वो फल बन रहा, फल के रूप में तब्दील होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब फल भी है, यहीं पर बीमारी का विषय भी हमारे किसान साथी ने बताया। ये समस्याएं कैसे आ रही हैं जी आपके प्लॉट में, यही हो रहा थोड़ा सा बताइए, केवल पानी। अच्छा, आप मतलब टुकड़ा आया पहले इस पे, टुकड़ा खुल गया इस पे, अच्छा इन पे टुकड़ा आया पहले बारिश से पहले, अब ये खुल गया है इसका टुकड़ा सा जी जी, अब इसकी पत्ती देखो साफ पत्ती है, साफ पत्ती है, फल भी आना शुरू है और बहुत अच्छा फल भी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे फल आ रहा है। और मैं थोड़ा सा अंकल जी वैरायटी के विषय में भी जानना चाहूंगा, कौन सी वैरायटी का चुनाव? ये करारी वैरायटी है, करारी, अच्छा इसे करारी 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार पूरे सीजन में देती है, 8 तोड़ हो जाती है इसकी, 8 तोड़ हो भी जाती है इसकी, 7 तो होती है, कम से कम 7 तो हो ही जाती है, अभी 3 तोड़ और देगा, अभी नवम्बर तक चलेगी। अच्छा, आपका जो ये पूरा प्लॉट है नवम्बर तक चलेगा? नवम्बर चलेगा ये जी। और मैं अंकल जी से जानना चाहूंगा अधिकतम प्रति बीघा कितने कुंटल तोड़ लेते हैं आप? आपसे मैं बताऊं, अगर पौधा स्वस्थ है कतई जी, बिल्कुल स्वस्थ पौधा, रोग रहित है, बिल्कुल निरोग है जी, वो कम से कम एक बार में 8-9 क्विंटल प्रति बीघा बीघा बिसावा जी मिर्च टूट जाती है, 15-16 कट्टा बीघे की मिर्च निकल जाती है, आराम से निकल जाती है, बताने कोई कितनी बताओ जी जी, रोग तो कोई फायदा नहीं, धोखा देने कोई फायदा नहीं जी जी जी, अब जितना फल आएगा जी 5-6 क्विंटल बीघे का टूटेगा, और 9 क्विंटल तक अधिकतम आपने बीघे में तोड़ा है, टूट गया जी, और 6 या 7 तोड़ हो जाती है, इसमें 4 तोड़ हो गई जी, अभी 5वीं टूटेगी, 5वीं तोड़ के लिए फल तैयार है, तैयार। तो किसान साथियों लगभग 6 से 7 नवम्बर तक चलेगा जी, नवम्बर तक चलता है, और आप कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं बीघे के हिसाब से, हमारे अंकल जी ने जो है बता दिया है, कोई सब वो के भी देख ले जी, एक बार बोना चाहे वो के भी देख ले, एक बार आप जो है वो भी सकते हैं और कितना अच्छा उत्पादन देती है। हाँ। मैं रेट के और विषय में अंकल जी जानना चाहूंगा, रेट कितने रुपए हाईएस्ट आपने बेका है, और कम से कम कितने? पिछले वर्ष तो बेका 97-98 रुपए तक, 97-98 रुपए किलो किलो, अब क्या बिका है 19, अब चल रहा 50-60-70 तुम्हें मालूम है, आज रात 70 बिका है, आज रात का जो पीछे रेट रहा वो 70 रुपए रहा जी, यानी जो 19-20 भी बिका, 19-20 तक भी, कम से कम 20 तक भी, 20 तक बिका जी, तो 20 का कम से कम रेट है, हाईएस्ट 100 रुपए केजी तक का है, और
प्रॉफिट के मामले में देखिए, बीस इस पे खर्चा आता है 15 रुपए किलो का जी, तुड़ाई दुआई लदाई हाँ सब चीज उसके ऊपर जितना भी रेट बढ़ेगा जी वो तुम्हारा मार्जिन है, वो आपका किसान साथियों का मार्जिन मार्जिन है, जितना भी बढ़ेगा ऊपर जी वो मार्जिन ही मार्जिन है, वो मार्जिन 20 रुपए किलो तक कोई मार्जिन नहीं है। हाँ जी, हम बात कर लगे जी 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 क्यों 20 लेबर भी महंगी हो रही है, सारी महंगी हो रही है, कॉस्ट भी है। तो हाँ 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो तोड़ है जी 5 रुपए किलो खर्चा ऊपर आता है, ऊपर खर्चा आता है। कितने एरिया में आपने ये वैरायटी चुनाव की है, कितने बीघे में बो रखी है? 40 बीघा। 40 बीघा। और इस बार 40 बीघा बो रखी है? हर साल इतनी बोते हैं, हर साल 40 बीघे पूरे 40 बीघा में एक नंबर प्लॉट खाली रखते हैं बंदे के लिए बस जी। टोटली हम वैरायटी लगाते हैं। और एक ही वैरायटी कितने समय से लगाते आ रहे हैं? नहीं अब ये पिछले साल लगाई है, अच्छा पहले 78 ही, बंगाराम ही, और बदलते अच्छा रहते हैं बदलते रहते हैं हर साल। जैसे समय चला है बदलते रहता है जी 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 ऐसे वैरायटियों का अलग अलग चुनाव करते रहते चुनाव हैं, करते रहते हैं समय पे। पर इस वैरायटी को इस बार ही लगाए दो साल से। दो बार लगा दिया अच्छा दूसरी साल है इस बार। हाँ इस वैरायटी से पूरी तरह संतुष्ट है? पिछले साल से पूरे संतुष्ट है, रिकॉर्ड तोड़ वैरायटी है ये। अच्छा रिकॉर्ड तोड़ वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है, संतुष्ट अच्छा। है पूरी तरह पूरी आप? तरह संतुष्ट है जी। और अधिकतम हमारे किसान साथी ने बताया 9 क्विंटल तक 1 बीघे से निकाल लेते हैं एक तोड़ में। 17 कट्टे बीघे की मिर्च टूटती है, 50 किलो का लगाओ 60 किलो कट्टा टूटता है, 50 किलो से भी 8-9 क्विंटल हो गई जी। और रेट के विषय में हमारे अंकल जी ने बताया, वो तो मार्केट है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, कहाँ से कहाँ गिरते हैं, हाँ तो कोई वो किसी के नहीं है, वो हमारी नहीं तुम्हारी, रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है। कल परसों 55 बीघा रहा, उससे पहले 60 बीघा 70 आ गया, जी जी हाँ तो ये बढ़ा है, जब माल अटक नहीं, भी जाता जब है। माल 60% मिर्च खत्म हो गई है, हाँ 60% मिर्चों का खत्म हो मतलब गया, खत्म हो गया है, खत्म हो तो गया, इस वजह से रेट भी आप रेट ऊपर आ गया, ऊपर आ गया है। जब माल नहीं है तो रेट ऊपर है, जी और जब माल है तो रेट नहीं है। रेट नहीं है। मैं अंकल जी ये जानना चाहूंगा, अगर किसी किसान साथी ने 1 एकड़ बो रखे मिर्च हाँ और उसकी वो ही 8 क्विंटल बीघे की निकल रही है मिर्च और रेट अच्छा मिल रहा है उनको लगातार 50 और 60 और 50 के बीच का, देखिए खर्चा काट करके, खूब खर्चा काट कर इस रेट में 60-70 हजार रुपये बीघे की जी मिर्च बैठ जाए, कच्चे बीघे की, कच्चे बीघे की 60-70 हजार रुपये क्योंकि बीघा। छोटा मार्जिन है ना, तुम्हारे 8 क्विंटल मिर्च होगी 60-60 को बिकी जी या 50 को बिकी, 40 हजार की मिर्च होगी, बिल्कुल सूदे सूदा, 50 सूदा हिसाब, उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, जी जी तो एक अच्छा प्रॉफिट हमारे किसान साथी कमा सकते हैं मिर्च की खेती से, पर मैनेजमेंट और देखभाल अच्छी करनी अच्छी पड़ेगी तरीके से, समय पे, बिल्कुल समय पे करनी पड़ेगी, सही चुनाव करें जी, दवाई का जी कोई दिक्कत नहीं, जी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समय समय पर आप देख पर करते रहें खेत पर आते जाते रहें। तो किसान साथियों हमारे किसान साथी ने मिर्च के विषय में एक बहुत अच्छी जानकारी दी, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद जय भारत।